Hey guys, welcome. I hope all you good. I am also good. तो आज मैं आपके सामने एक और ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, पर मैंने सोचा कि उससे पहले थोड़ी सी फेस टू फेस बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने इस तरीके से वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से मेरी जो हेल्थ है वो अप डाउन चल रही थी. कभी फीवर, कभी कोल्ड, कभी कफ, और अभी भी बहुत ज़्यादा अगर मैं बोल लेती हूँ तो मुझे कफ स्टार्ट हो जाता है. पर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा एक इंट्रो बनाते हैं. तो आज का जो ट्यूटोरियल है उसको आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में. यस, ये जो आप 3 बॉक्सेस देख रहे हो ना, आपको 2 दिख रहे होंगे. ये देखिए 3, एक पे लिखा है दाल, एक पे लिखा है शक्कर, एक पे लिखा है धनिया. जी हाँ, ये है बहुत ही ज्यादा पुराने बॉक्सेस. आई थिंक 30 ईयर्स और 40 ईयर्स ओल्ड तो होंगे ही होंगे. तो जो मेरी मदर इन लॉ है वो इनको संभाल के रखी हुई थी. इसका कोई यूज नहीं हो रहा था, सिर्फ रखे हुए थे. इवन लॉक लगा हुआ था, चाबी भी ढूंढनी पड़ी, बहुत मुश्किल से चाबी मिली. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए. तो मुझे एक स्टोरेज चाहिए था. मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक कार्टन का स्टोरेज बनाऊं. मेरे पास एक बहुत बड़ा कार्टन है. फिर सडनली मुझे ये दिख गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसी को पेंट करती हूँ और फिर मैं इसी को अपना स्टोरेज बना लूंगी. तो मैं इन 3 बॉक्सेस में पेंट करूंगी, पर मे बी मैं आपके साथ में 2 शेयर करूंगी. दोनों में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल करूंगी. तो आज मैं आपके साथ में 1 बॉक्स शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए मैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करती हूँ. आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा. और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ट्रंक, कोई ऐसा बॉक्स आपके घर में रखा है दादी नानी का, मम्मी का, जो वो लोग यूज नहीं करते हैं या फिर उसको किसी को देने का सोच रहे हैं, तो आप भी उसको ऐसे चेंज कर सकते हो और उसको फिर से रीयूज कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द ट्यूटोरियल. तो सबसे पहले हम चक पेंट रेडी करेंगे. आप चाहो तो रेडीमेड भी यूज कर सकते हो, पर ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है. तो इसका जो फुल ट्यूटोरियल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. वहाँ पर मैंने सारे होममेड टेक्सचर्स का ट्यूटोरियल डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो. फिलहाल मैंने इसमें 2 चम्मच सिरामिक पाउडर लिया है और 1.5 स्पून फेविकोल लिया है. अब हम इसमें ब्लैक कलर ऐड करेंगे, एक्रेलिक कलर, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर का जो है बेस करना है. तो सबसे पहले हम इसमें ब्लैक कलर ऐड करेंगे. आपको कितना डार्क चाहिए उसके हिसाब से आप कलर ऐड करोगे. तो अभी मैं इतना ऐड करती हूँ और फिर हम इसको मिक्स करेंगे. इसको बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है. अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे. तो ये हमारा बॉक्स है. मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है और ड्राई कर लिया है. अब हम इस पर बेस करेंगे. सो इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रॉड ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए. जब मेरा 1 कोट हो जाएगा देन उसको हम ड्राई करेंगे और उसके बाद हम 2nd कोट करेंगे. लुक,
मेरा पेंट हो गया है डबल कोट और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है। इसके बाद मैंने वाइट कलर की पेंसिल से यहाँ पे ड्राइंग की है। ड्राइंग का क्रेडिट जाता है पिनट्रस्ट को, वहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। सो बस आपको ऐसे ड्रॉ करना है और लेट्स स्टार्ट द पेंटिंग। तो मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स यूज़ कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर कलर फिक्स नहीं है। और ये कठपुतलीज हैं, अभी मैं यहाँ पर एक जो है डोरी भी बनाऊँगी। और ये कर्टेन है, ये कर्टेन है, ओके। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें पेंट करते जाना है। जो भी आपके फेवरेट कलर्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैंने कोई भी शेडिंग वगैरह नहीं दी है, सिर्फ मैं आउटलाइन दूंगी जब हमारी कलर कंप्लीट हो जाएगी, और कहीं कहीं पर मैं कोई पैटर्न दूंगी। सो हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग देना बाकी है। और नीचे के ये हमें लीव्स और फ्लावर्स करने हैं, बाकी मेरी पूरी पेंटिंग हो गई है। और हाँ, हम लोग साइड्स में भी पेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा ऐसे फ्लावर बनाया है, तो इसमें मैं कलर करूँगी। सो गाइस, मेरी पेंटिंग रेडी हो गई है और अच्छी तरीके से ड्राई भी हो गई है। और एक साइड में मैंने ये फ्लावर बनाया है और इस साइड भी। नाउ आई विल डू वार्निश। तो आप ये स्प्रे पेंट भी यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट क्लियर स्प्रे। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप ब्रश वाला वार्निश भी यूज़ कर सकते हो, वो ईज़िली हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है। ये भी वैसे ईज़िली अवेलेबल है।
और इसको यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको मास्क ज़रूर पहनना है। तो अब हम ये करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे फोल्ड कर लें।